हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बिहार में जो चुनाव काउंटर की वैकेंसी आई है उसके प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट आप लोग के चल रहे थे, इसलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट थर्ड सॉल्व करेंगे। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर चुके हैं, तो उसकी वीडियो आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। एक संगणक कंप्यूटर के घटकों के बारे में निम्नांकित तथ्यों पर विचार कीजिए। आगत इकाई, आगत इकाई उपयोगकर्ता से निर्देश स्वीकार करती है। निर्गत इकाई, एक निर्गत इकाई संगणक यानी कंप्यूटर से परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती है। स्मृति इकाई, इसके कालों में प्रसंस्करण के प्रारंभ होने से पहले आगत इकाई के द्वारा दर्ज आगत को संग्रह करना संभव है। सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई, यह एक संगणक यानी कंप्यूटर के भीतर का हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक कंप्यूटर होता है उसके बारे में कुछ आपके स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। जो उसके कंप्यूटर होता है जो मिलकर बना होता है, जैसे आगत इकाई की बात हो रही है तो इनपुट यूनिट, जो इनपुट यूनिट्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो क्या करते हैं कि जो यूजर होता है उसको उससे इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, निर्देशों को स्वीकार करते हैं। जो आउटपुट यूनिट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक निर्गत इकाई संग्रह से परिणामक रूप में जो भी कंप्यूटर प्रोसेस करके आपको रिजल्ट दे रहा आउटपुट दे रहा है उसको दर्शाती है या उत्पन्न करती है। जो स्मृति इकाई यानी कि जो मेमोरी यूनिट होता है वो क्या करता है, इसके कार्यों में प्रसंस्करण के प्रारंभ होने से पहले यानी कि प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले और जो इनपुट इकाई होती है उसमें जो भी आप चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि डेटा जो मैंने करते हैं कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए देंगे वो इनपुट यूनिट्स के से ही देते हैं, और जो आगत यूनिट्स होते हैं उसमें सम्मिलित हो जाता है, यानी कि संग्रह में इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में संग्रह का काम करता है, स्टोरेज का। सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई क्या करती है, ये एक संगणक के भीतर का हार्डवेयर होगा जो कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। तो आपको बताना है ये चार स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट दे रखे हैं, सही दे रखे हैं। इनपुट यूनिट का भी सेम वही काम होता है, आउटपुट भी, मेमोरी यूनिट भी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी। तो चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है। यानी जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका कौन सा ऐसा पार्ट होता है या कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जो कि सूचना के इंफॉर्मेशन जो होती है उसको आगे पहुंचाने का काम करता है। पीसी रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, एक्यूमुलेटर। तो क्या हो जाता है इसमें, वो हो जाता है आपका कंट्रोल यूनिट। जितना भी प्रोसेस का सारा काम रहता है वो कंट्रोल यूनिट में ही रहता है। एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है, रैम स्लॉट, एजीपी स्लॉट, यूएसबी पोर्ट या फिर पीसीआई स्लॉट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राफिक्स कार्ड जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए स्लॉट जो होगा वो कौन इसमें से देता है, तो हो जाता है आपका एजीपी स्लॉट। अब एजीपी होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोग को बताया है कि फुल फॉर्म्स को अलग नोट कर लीजिएगा। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता है। ये एक तरह का क्या होता है, ग्राफिक्स जो होते हैं उनका एक पोर्ट का एक पॉइंट टू पॉइंट चैनल की तरह काम करता है, जिसमें हाई स्पीड जो होती है वीडियो उनको चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा या फिर लाभ उसकी डैश है, सर्किट के विफल होने पर सरलता से बदलना, अत्यंत उच्च विश्वसनीयता, कम लागत, ऊर्जा की कम खपत। तो जो आईसी सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसका क्या सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अत्यंत उच्च विश्वसनीयता, इस पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, या ये कह सकते हैं आपका आईसी जो थे वो थर्ड जनरेशन में आया था। जैसे कि पिछले स्टूडियो मैंने आपको सारी जनरेशन बताई थी, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, उस पर ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद आईसी आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट आया था। जब से इसका विकास हुआ था, जब से ये डेवलप हुआ था, तो काफ़ी तेज़ी से अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम किया जा सकता था। ये जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि किस चीज़ का बना होता है आईसी सर्किट, तो हो जाते हैं सिलिकॉन के। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, MICR स्कैनर डैश का एक उदाहरण है, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर MICR जो होता है, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो MICR की फुल फॉर्म हो जाती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसकी फुल फॉर्म को जो अलग से जितनी भी मैं बताती जा रही हूँ आप लोगों को, सब एक अलग पेज पर नोट करते रहिएगा।
और उनको लर्न कर लीजिएगा, कोई भी एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये स्कैनर जो है, ये MICR, ये किसका उदाहरण है? कंट्रोल यूनिट का, इनपुट का, आउटपुट का, या फिर सेकेंडरी मेमोरी का? तो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाता है इनपुट यूनिट का। अच्छा, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि जो स्कैनर होता है वो इनपुट डिवाइस होती है, और MICR के साथ अगर स्कैनर लगा है तो इसका मतलब MICR भी इनपुट डिवाइस ही होगी। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो MICR होता है क्या है, तो आप लोगों ने बैंक में चेक देखा होगा सभी ने, चेक में जो खड़ी नीचे रेखाएं होती हैं, लाइंस होती हैं, वो उन लाइंस को पढ़ने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो MICR कहलाता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? नॉन वोलेटाइल, फास्ट एक्सेस, वोलेटाइल एक्सपेंसिव, स्लो एक्सेस, एक्सपेंसिव वोलेटाइल, फास्ट एक्सेस, नॉन वोलेटाइल, चीप। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा एक ऐसा समूह है, ऐसा ग्रुप है जो स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं, जैसे कि रोम की अगर हम बात करें, सॉरी रैम की अगर हम बात करें, यहाँ पर रैम के बारे में कहा गया है, RAM रैम, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेगी, तो कौन सा यहाँ पर डिस्क्राइब करेगा? वो हो जाएगा सी। एक्सपेंसिव होती है, वॉलेटाइल होती है, अस्थाई होती है, और फास्ट एक्सेस है, जल्दी तीव्रता से काम करती है। तो ये तीनों विशेषताएं क्या हो जाएंगी? रैम की हो जाएंगी। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक भंडारण उपकरण सेकेंडरी डिवाइस नहीं है? फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, डी रैम। क्वेश्चन में जो कह रहा है सेकेंडरी स्टोरेज क्या नहीं है इसमें से, तो यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज क्या नहीं रहेगा? फ्लैश ड्राइव भी सेकेंडरी स्टोरेज होता है, पेन ड्राइव भी सेकेंडरी स्टोरेज है, कॉम्पैक्ट डिस्क भी। जो डी रैम होती है वो रैम का ही एक तरह की रैम ही होती है, और रैम क्या है आपकी प्राइमरी स्टोरेज है, तो डी रैम क्या हो जाती है? डी रैम हो जाती है आप लोगों की प्राइमरी स्टोरेज हो जाएगी, ना कि सेकेंडरी। तो एक आंसर यही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्वों की सच्चाई का बेहतर वर्णन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सामान्य प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर फर्स्ट सही है या सेकेंड सही है, या दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं, तो आपको बताना है इसमें से। तो पहला पॉइंट जो दे रखा है इसमें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर होता है, यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो किसी स्पेशल पर्पज से यूज़ किया गया सॉफ्टवेयर है, तो ऐसा नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो स्पेशल पर्पज से यूज़ नहीं किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो स्पेशल पर्पज से यूज़ किए जाते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सामान, तो वही चीज़ हो गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर सामान्य में आएगा और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो विशेष में आएगा, तो अपोजिट में हो जाएगा दोनों चीज़ें, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? कैस्परस्काई, यूनिक्स, डॉस, विंडोज। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा इसमें? वो हो जाएगा आपका कैस्परस्काई। ये जो होगा ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है, जबकि ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर आइए एक बार देख लेते हैं सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है, एक एप्लीकेशन होता है, और एक यूटिलिटी होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपके दो टाइप के रहते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक लैंग्वेज सिस्टम होता है। इसमें भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है इसके बारे में, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज होता है, यूनिक्स होगा, लिनक्स होगा, या फिर मैक ओएस होता है। और जो लैंग्वेज होते हैं कंपाइलर है, असेंबलर है, और इंटरप्रेटर हो जाता है। एप्लीकेशन में आपके वर्ड प्रोसेसर आएगा, स्प्रेडशीट है, डाटा बेस है, अकाउंटिंग है, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ। जैसे कि क्वेश्चन में आपके था कि स्पेशल पर्पज जो होता है उसके लिए यूज किया जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आ जाएगा एंटीवायरस है, बैकअप है, या फिर फाइल मैनेजर है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में सेटेड क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे, ये हेल्पफुल रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित करता है, एग्जीक्यूट करता है?
इंटरप्रेटर, मल्टी प्रोसेसिंग, असेंबलर, डाटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा वो प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो दी रहती है उसमें दिए गए जो निर्देश इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको ट्रांसलेट करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इंटरप्रेटर। एक ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, जो इंटरप्रेटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में फाइल प्रोसेसिंग के संदर्भ में फाइल ऑपरेशन के सही क्रम को पहचाने। पढ़े या लिखे, ऑपरेशन करना, एक फाइल खोले, एक फाइल बंद करे। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है? पाइथन, आपके प्रीवियस वीडियोज में भी पाइथन से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहा था, इसमें भी है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो पाइथन में फाइल प्रोसेसिंग होती है उसमें आपको फाइल ऑपरेशन जो करने पड़ते हैं उसका एक सीक्वेंस सही सही बताना है कि क्या सीक्वेंस रहता है। उसका सीक्वेंस जो रहता है वो आपका सबसे पहले आ जाता है कि कोई फाइल आप ओपन करते हैं, उसके बाद उसमें क्या आप करना चाह रहे हैं, क्या ऑपरेशन करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फाइल को बंद करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में होते हैं, मशीन लैंग्वेज, पास्कल, इनमें से कोई नहीं, या फिर सेकेंडरी मेमोरी। कि जो कंप्यूटर होता है किस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको ही फॉलो कर सकता है, कि यहाँ पर कौन से हो जाते हैं? वो हो जाएगा आपका मशीन लैंग्वेज। कि जो कंप्यूटर होता है उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो उसको मशीन लैंग्वेज में ही लेता है और उसको एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो बाइनरी डिजिट्स का, बाइनरी लैंग्वेज जो भाषा होती है उसका यूज़ करता है, जो जीरो और एक की होती है उसको ये मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ही समझता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ओबोल का, बाइनरी का, बेसिक का, या फिर विंडोज का। कि कंप्यूटर जो होता है उसमें जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं तो कौन सी लैंग्वेज का उसमें हम यूज़ करते हैं? जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था कि मशीन लैंग्वेज होती है लेकिन वो कौन सी होती है? बाइनरी जो होती है उसका यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कैसे चेंज किया जाता है? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना या फिर डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना, तो उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है, डाटाबेस सज्जित करना, डाटा का विश्लेषण करना, विभिन्न प्रलेख तैयार करना, स्लाइड तैयार करना। तो एमएस वर्ड का यूज़ जो होता है वो किस लिए किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए किया जाता है वर्ड में आप अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो जो आपके एमएस वर्ड होता है वहाँ पर आप पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं, चार्ट भी ऐड किया जा सकता है, उसमें क्लिप आर्ट्स को ऐड कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें आप यूज़ करके एक डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त और कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? काउंट आउट, एवरेज, वर्ल्ड डे, या फिर टुडे। यानी कि अगर आपको आज की करेंट जो भी दिन है उसकी डेट देखनी है उसके लिए कौन सा ऑप्शन का यूज किया जाता है, तो उसके लिए जो यूज किया जाता है वो हो जाएगा आपका टुडे। टुडे का यूज किया जाता है उसके लिए। काउंट आउट होता है उसमें क्या रहता है कि ये जो फंक्शन होता है वो सेल्स की जानकारी देता है। जो कंप्यूटर में आप एमएस एक्सेल में देखते होंगे वर्कशीट, उसमें सेल्स की जानकारी इसके द्वारा दी जाती है। एवरेज एक फार्मूला हो जाता है एवरेज निकालने का, और वर्क डे क्या हो जाता है? वर्क डे एक संख्या देता है जो एक तिथि का मतलब कोई एक डेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के डैश दृश्य में उपयोगकर्ता पुस्तिका में केवल स्लाइड्स का टेक्स्ट देख सकता है, स्लाइड शो में, आउटलाइन में, स्लाइडर सॉर्टर में, या फिर नॉर्मल में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है वहाँ पर सामने आपके स्क्रीन रहती है, उसको यूज करते हैं जब आप तो पीपीटी जब बना रहे होते हैं तो सामने जो स्क्रीन होती है वहाँ पर जो यूजर होगा जब प्रेजेंटेशन को देख रहा होता है तो उस स्लाइड्स में अगर उसे केवल टेक्स्ट को देख रहा है तो क्या कहलाता है? तो वो हो जाता है आपका आउटलाइन। एक तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इस जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके प्रैक्टिकल का क्वेश्चन हैं, अगर आपने यूज किया है कंप्यूटर तो बहुत आसानी से आप इन सबका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत, इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है, इंटरनेट से कनेक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी पता होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि कथन सही है या फिर रॉन्ग है। इसमें क्या है, इंटरनेट लोकल एरिया जो लैन होता है का सबसे अच्छा
उदाहरण होगा या फिर इंटरनेट में कनेक्ट किए गए जो प्रत्येक कंप्यूटर होते हैं उनका अपना एक आईपी एड्रेस होता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला तो 100% करेक्ट हो जाएगा कि उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है जितने भी का इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। और पहला पॉइंट जो कह रहा है यहाँ पर कि इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क है तो ये गलत हो जाएगा। इंटरनेट जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वैन होता है, ना कि लैन होता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो पहला पॉइंट गलत है और सेकंड सही है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीसीपी आईपी लेयर में शक्तिशाली इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल शामिल हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर में, इंटरनेट लेयर में, फिजिकल लेयर में या फिर डेटा लिंक लेयर में? तो यहाँ पर कौन सी लेयर ऐसी होती है टीसीपी आईपी की जिसमें आपके ये सारे फीचर्स होते हैं? कौन सी लेयर हो जाएगी? वो हो जाती है इंटरनेट लेयर। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वैसे भी आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं कि एड्रेस जिसमें दे रखा हो, जिसमें आपका इंटरनेट कंट्रोल से रिलेटेड हो, तो कौन सी हो जाएगी? इंटरनेट लेयर हो जाएगी। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो फिजिकल नेटवर्क लेयर होती है इसमें, उसमें क्या रहता है कि नेटवर्क को जब हम यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उसके हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन होती है वो उसको बताती है। और जो डेटा लिंक लेयर होती है, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि डेटा लिंक करना यानी कि जो नेटवर्क संस्थाएं होती हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं उनके बीच डेटा को ट्रांसफर करने का काम करती है डेटा लिंक लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेटवर्क प्रोटोकॉल को उनके अर्थ के साथ सम्मिलित करें। यहाँ पर आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल दे रखे हैं, यहाँ पर उसके मीनिंग दे रखी है, आपको मैच करना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट SNTP दे रखा है, SNTP क्या हो जाता है? ये नेटवर्क में सिस्टम के समय को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। तो पहला आपका BC हो जाएगा। सेकेंड वाला FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म जो होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। ये क्या होता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजने का काम करता है। नाम से इसकी जो फुल फॉर्म है उससे क्लियर हो जाता है फाइल ट्रांसफर करना। DNS जो होता है, DNS क्या हो जाता है? एक डोमेन नेम होता है, DNS डोमेन नेम, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। डोमेन नेम को IP एड्रेस पर मैप करता है। और जो टेलनेट होता है, जो आपका लास्ट ऑप्शन बचता है वही हो जाएगा डी वाला, कि स्थानीय कंप्यूटर को दूरस्थ कंप्यूटर से जोड़ता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे अगर सेपरेटली देखें तो आपके चार ऑप्शन जो थे वो भी तैयार हो गए, यानी कि चार चीज़ें आपकी तैयार हो गई इन ऑप्शन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। स्कैनर, मॉडेम, CD-ROM, प्रिंटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जो जोड़ता है उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर आप सब लोग मुझे कमेंट करेंगे, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा कि कौन सी चीज़ इसमें आपको कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करती है। और प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी जो है वो प्राइमरी मेमोरी, उसमें जो क्वेश्चन था तो वो हो जाएगी रैम। बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर भी दिया है, आप सब लोग आंसर दिया करिए जो भी क्वेश्चन मैं पूछा करूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट जो थर्ड है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।